हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको एग्जाम से पहले देखनी ही चाहिए। ये वीडियो आपको अश्योर करेगी कि आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएं जो इंग्लिश का सेक्शन आने वाला है RVNL के एग्जाम में। RVNL के एग्जाम में अगर हम पेपर पैटर्न देते तो दो पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी, तो पार्ट बी में 8 मार्क्स की इंग्लिश है, 8 मार्क्स की हिंदी है, 8 मार्क्स का मैथ्स है और 8 मार्क्स की रीजनिंग और एबिलिटी है। तो इन चारों सब्जेक्ट्स की मैं वीडियोस लेकर आऊंगी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप ये वीडियो देखेंगे एंड तक, तो ये पूरे पेपर जो लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करे हुए हैं, इसके अंदर किस तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं, क्या पेपर पैटर्न रहता है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप ये वीडियो देखोगे तो 100% आपको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट मिलेगा जो आप एग्जाम देने जा रहे हो RVNL का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर एग्जाम देने के बाद आपको लगता है कि मैम की वीडियो हमारी कुछ ना कुछ हेल्प करी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताएं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंग्लिश का पेपर कि किस तरीके से RVNL में जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, हमें पहले आते हैं कि आपको स्पेलिंग्स करेक्ट करके बताएं। तो एक पैटर्न होता है कि आप इससे स्पेलिंग्स पूछते हैं, चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो इस सेक्शन में आपको स्पेलिंग बतानी है। आपको वर्ड दे रखा है अकोमोडेट, अकोमोडेट की स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इनमें से आपको देखनी है कि अकोमोडेट की स्पेलिंग सही क्या होगी। तो आप अपना जनरल कॉमन सेंस और फोनिक साउंड से आप कोई भी स्पेलिंग को करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर अकोमोडेट की स्पेलिंग देखे हैं हम, तो ए डबल सी ओ एम एम ओ डी ए टी ई अको, ए डबल सी ओ अको म डेट डी ए टी अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है टू प्रोवाइड विथ समथिंग डिजायर्ड, कुछ आपकी जो इच्छा है आपको वो प्रोवाइड हो, आपको वो अक्यूमुलेट करें, अकोमोडेट करें, हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाए, वो हमको प्रोवाइड हो जाए, उसका मतलब होता है अकोमोडेट। तो स्पेलिंग कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है, अकोमोडेट ए डबल सी ओ एम डबल ओ डबल एम ओ ए डी, अकोमोडेट की स्पेलिंग कौन सी सही है, ये सही है। इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड विद समथिंग डिजायर, जो आपकी इच्छा है आपको वो प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं रिकमेंड, तो रेकमेंड का सही स्पेलिंग क्या होती है, रेकमेंड, रेकमेंड की स्पेलिंग करेक्ट होती है आर ई सी ओ एम एम ई एन, रेकमेंड। और अगर पास्ट टेंस में बात करूं तो रेकमेंडेड हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रेकमेंड, रेकमेंडेड, रेकमेंडेड। तो रेकमेंडेड की स्पेलिंग होती है आर ई सी ओ डबल एम ई एन ई डी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी। रेकमेंड का मतलब होता है टू से दैट समथिंग, हम किसी चीज को रिकमेंड करें, किसी चीज के बारे में हम ऑफर देंगे, आप ऐसा कर सकते हो। रिकमेंड का मतलब होता है टू से दैट समथिंग और समबडी, आप किसी को कोई अपनी इच्छा रखो, रिकमेंड करो, अपना व्यू रखो, तो ये क्या होता है, टू से समथिंग और समबडी। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट दे रखा है आपको आर्ग्यूमेंट। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन से हम ये समझ पा रहे हैं कि स्पेलिंग किसकी होगी, आर्ग्यूमेंट की होगी, आर्ग्यूमेंट की सही स्पेलिंग हमारी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट देखते हैं तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंग्री डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पर्सन और हु डिसएग्री विथ ईच अदर। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि दो जने जब बहस करते हैं, दोनों के दो अलग अलग व्यूज होते हैं, उसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट की सही स्पेलिंग होती है ए आर जी यू आर्ग्यूमेंट, एम ई एन टी आर आर ए आर आर ग्यू जी यू ग्यू मेंट एम ई एन टी, आर्ग्यूमेंट मीन्स एंग्री डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स। तो किस में ऑप्शन में सही स्पेलिंग दिख रही है, ए आर जी यू एम ई एन टी, आर्ग्यूमेंट ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब होता है मेकिंग समथिंग सर्टेन और फाइनल। डिसाइसिव मीन्स आप किसी चीज को सर्टेनली फाइनल कर दो कि हाँ भाई ये चीज तो करनी ही करनी है, हम अपने मन में विचार करने के भाई हमको ये चीज फाइनल है, हमको डिसाइसिव है कि हमको ये चीज करनी है। तो डिसाइसिव की स्पेलिंग करेक्ट होती है डी ई सी आई एस आई वी ई, डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब होता है टू मेक समथिंग सर्टेन ऑन फाइनल, तो डी ई सी आई एस आई वी ई। तो सही ऑप्शन कौन सा, इसका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। डिसाइसिव का मतलब होता है आप कोई चीज फाइनल कर दो। नेक्स्ट देखते हैं एग्रेसिव, ये चारों वर्ड्स हम समझ सकते हैं कि स्पेलिंग किसकी पूछी जा रही है करेक्ट। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है रेडी टू लाइकली टू फाइट और आर्ग्यू,
मीन्स आप किसी से रेडी हो कि भाई हमको तो लड़ाई करनी करनी है, हम बहुत गुस्से में है, एग्रेसिव है, तो उसका मतलब क्या होता है, आप रेडी है फाइट के लिए, या फिर आप किसी से बिल्कुल वो नहीं हो, आप एग्री नहीं हो, तो वो क्या है, एग्रेसिव। तो एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। एग्रेसिव की स्पेलिंग होती है AGGRESSIVE। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। नेक्स्ट देखते हैं एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण पर्सन की मृत्यु हो जाना, हत्या हो जाना। एसोसिएशन का मतलब होता है जो हमारा कोई महत्वपूर्ण पर्सन है, कोई पर्सनालिटी है जिसकी हत्या हो जाती है, उसको बोलते हैं असोसिनेशन। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है AGGSSINATION, किसी महत्वपूर्ण पर्सन की हत्या हो जाना। तो सही स्पेलिंग कौन सी है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, AGGSSSINATION, असोसिनेशन। नेक्स्ट एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट, तो एम्बेरसमेंट वो सिचुएशन होती है जब आप कंफर्टेबल नहीं होते, आप फील अच्छा नहीं करते कहीं बैठने में, कहीं उठने में, या फिर लज्जित होने का जो भाव होता है उसको हम बोलते हैं एम्बेरसमेंट, आप लज्जित फील करते हो। तो एम्बेरसमेंट का सही स्पेलिंग होती है MEMBRARASSMENT, एम्बेरसमेंट। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, EMBARASSMENT, एम्बेरसमेंट। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है, ABARASSMENT, जब आप लज्जित फील करते हैं। नेक्स्ट आइडम एंड फ्रेजेस। आइडम एंड फ्रेजेस ये एक पैटर्न हुआ जहां पे आपको स्पेलिंग्स पूछते हैं, तो आपको स्पेलिंग्स फोनिक्स के थ्रू निकालनी है। नेक्स्ट पैटर्न आता है आपका आइडम ऑफ फ्रेजेस पूछे जाएंगे। तो अगर 8 क्वेश्चंस है तो 8 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपके स्पेलिंग्स के आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम के आपके आइडम ऑफ फेसेस, तो आइडम और जो लोकतियां होती है, तो डर्ट चीप का मतलब क्या होता है, डर्ट चीप का मतलब होता है कि बिल्कुल एक्सट्रीमली चीप, जो बिल्कुल ही गिरा हुआ घटिया जो चीज होती है उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीमली चीप। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो आइडम ऑफ फेसेस में डर्ट चीप का मतलब होता है एक्सट्रीमली चीप, ना कि एक्सट्रीमली कॉस्टली। वेरी चीप पर्सन नहीं होता, वेरी चीप आइटम भी नहीं होता, आइटम से रिलेटेड बात नहीं होती। जब भी हम डर्ट चीप को फ्रेज को यूज करते हैं ना, पर्सन की बात होती है, हम किसकी बात करते हैं, जो चीज एक्सट्रीमली चीप हो उसको हम क्या बोलते हैं, डर्ट चीप। नेक्स्ट देखते हैं श्रिंकिंग वायलेट। श्रिंकिंग वायलेट का मतलब क्या होता है, श्रिंकिंग वायलेट ऑप्शन दे रखा है, अ लीन पर्सन, अ शाय पर्सन, अ हैप्पी पर्सन और सैड पर्सन। तो श्रिंकिंग वायलेट का मतलब होता है जो बहुत ही शाय हो, बहुत ही शर्मीला जो इंसान होता है, श्रिंकिंग मतलब सुकड़ा सुकड़ा छुपा छुपा जो रहता है उसका मतलब होता है श्रिंकिंग वायलेट। मीन्स इंट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं, इसका हम सिनोनम अगर देखें, सिनोनम्स को हम कह सकते हैं कि इसका साइनम्स होता है इंट्रोवर्ट, और इसका एंटोनम अगर देखें तो एंटोनम होता है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट इसका क्या होता है, एंटोनम होता है। श्रिंकिंग वायलेट का मतलब होता है इंट्रोवर्ट, जो बहुत ही शाय पर्सन हो, शाय पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, श्रिंकिंग वायलेट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं गॉर्जियन नॉट। गॉर्जियन नॉट का मतलब क्या होता है, गॉर्जियन नॉट होता है कोई ऐसी समस्या को सॉल्व करना जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो या फिर इम्पॉसिबल हो, उसको हम कहते हैं गॉर्जियन नॉट। जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो उसको हम कहते हैं गॉर्जियन नॉट। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ डिफरेंट प्रॉब्लम, अनडोरेबल जॉब और डोएबल जॉब। तो गॉर्जियन नॉट का मतलब होता है कोई ऐसी समस्या को सॉल्व करना जो इम्पॉसिबल हो और जो बहुत ही डिफिकल्ट हो। तो ऑप्शन बी का क्या है, बिल्कुल सही है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। गॉर्जियन नॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं फॉल इन अ हीप। फॉल इन अ हीप का मतलब क्या होता है, ये फ्रेज किस लिए यूज होता है, ये आइटम किस लिए यूज होता है। फॉल इन अ हीप का मतलब होता है टू बिकम वेरी इमोशनल। फॉल इन अ हीप मीन्स आप किसी भावनाओं में डूब जाओ। तो फॉल इन अ हीप का मतलब टू बिकम वेरी इमोशनल, एक्सट्रीमली सैड, और टू लूज कंट्रोल ऑन वन ओन फीलिंग। मीन्स आप अपनी भावनाओं में इतना खो जाओ कि अपने आप पे कंट्रोल ना रहे, आप बहुत ही एक्सट्रीमली सैड फील करो, बहुत ही इमोशनल फील करो, उस सिचुएशन के लिए हम फेज यूज करते हैं फॉल इन हीप। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, टू लूज कंट्रोल ऑन ओन फीलिंग। मीन्स आप अपनी ही फीलिंग्स में इतने खो जाते हैं, अपना कंट्रोल ही नहीं रहता, तो फॉल इन अ हीप। नेक्स्ट हैव अ कॉन्टेम्प्ट फिट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू
बिकम वेरी और अनरीजनेबली एंग्री और अपसेट। हम बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के जब एंग्री होते हैं, कोई रीजन नहीं होता और अपसेट होते हैं, तब हम फ्रेज यूज करते हैं हैव अ कॉन्टिनेंट फिट, कि हम अचानक से किसी चीज को लेकर नाराज हो गए। तो उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? टू बी अ वेरी एंग्री, हम अचानक से बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के जब एंग्री होते हैं तो बोलते हैं हैव अ कॉन्टिनेंट फिट। कॉन्टिनेंट फिट किसके लिए यूज होता है? वेरी एंग्री के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बी इन अ सेवेंथ हेवन। हम ही सेवेंथ हेवन पे क्या बोलते हैं? सातवें आसमान पे कभी इंसान होता है? सातवें आसमान पे इंसान तभी होता है जब वो एक्सट्रीमली खुश होता है, जब वो जो चाहता है वो से मिल जाता है, तो वो क्या होता है? सातवें आसमान पे होता है। तो टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हैंड इन ग्लव्स। हैंड इन ग्लव्स का मतलब क्या होता है? ये फेस कब यूज होता है? हैंड इन ग्लव्स मीन्स एक साथ जब हम काम करते हैं, एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप और एग्रीमेंट, जब हम ज्वाइंटली टुगेदर कोई वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं हैंड इन ग्लव्स। दो जने एक साथ में हाथ एक से काम करते हैं, तब टुगेदर हम दो जने मिलके जब काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लव्स। तो इसका कौन सा मीनिंग सही होगा? हैंड इन ग्लव्स का है वर्किंग टुगेदर। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट, निप इन अ बर्ड। निप इन अ बर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये फ्रेज हम कब यूज करते हैं? तो प्रिवेंट अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सर्व, प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम मेक इट सर्व, और बीटिंग द प्रॉब्लम। तो निप इन अ बर्ड का मतलब होता है थॉरली चेक समथिंग और होल्ड समथिंग एट अर्ली स्टेज। हम किसी चीज को थॉरली चेक करें, बिल्कुल बारीकी से किसी चीज को जज करना, चेक करना, और या फिर किसी चीज को रोक देना, अगर हमको वो अर्ली स्टेज पे ही सही नहीं लग रही तो उस चीज को क्या कर दे? हम रोक दें। और टू स्टॉप समथिंग इमिडिएटली सो डैट कोई हमारी बड़ी समस्या ना उत्पन्न हो जाए। हम किसी चीज को अगर हमको फील होता है कि वो आगे चलकर गलत हो सकती है तो उसको हम पहले ही रोक दें, तो उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं निप इन अ बर्ड। मीन्स खिलने से पहले उसको क्या कर दो? छोड़ दो। तो निप इन अ बर्ड तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। टू प्रिवेंट स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सर्व, जब कोई प्रॉब्लम बड़ी हो उससे पहले ही हम उसको क्या कर दें? उसका समाधान कर दें। नेक्स्ट, लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। लाइक अ शैग इन अ रॉक फेज हमारा कब यूज किया जाता है? लाइक इन अ शैग इन अ रॉक का मतलब होता है कंप्लीटली अलोन और आइसोलेटेड। जब कोई पर्सन, कोई बंदा या कोई चीज कंप्लीटली अलोन होती है तो लाइक अ शैक ऑन अ रॉक मीन्स रॉक पे अकेला बिल्कुल जैसा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंप्लीटली अलोन। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अ पर्ल ऑफ विजडम। अ पर्ल ऑफ विजडम फ्रेज हम कब यूज करते हैं? एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज के लिए, एन इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए, एन इंपॉर्टेंट थिंग और फॉर लाइफ के लिए, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस के लिए। तो पर्ल ऑफ विजडम का मतलब होता है अ वाइज सेइंग और पीस ऑफ एडवाइस मीन्स एक बहुत ही समझदारी से किसी को दिया गया निर्णय, या फिर आप किसी को, आप अपना वो रिव्यू रख रहे हो उसको हम बोलते हैं पर्ल ऑफ विजडम। तो इसका ऑप्शन ए क्या है? इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ, ऑप्शन डी क्या है? एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, किसी को अच्छा एडवाइस देना, किसी को अच्छी राय देना बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं पर्ल ऑफ विजडम। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपके हो गए आइटम ऑफ फेजेस। तो आपके दो पार्ट हो गए, एक में आपसे स्पेलिंग्स पूछी जाएगी, एक पार्ट में आपको आइटम ऑफ फेजेस पूछी जाएंगी। अब दूसरा आपका पार्ट आता है जिसमें आपको कंप्लीट करने होते हैं सेंटेंस, उस सेंटेंसेस में आपको ये बताना होता है कि कौन सी करेक्ट फॉर्म आएगी सेंटेंस की, वर्ब की, नाउन की, प्रोनाउन की। आपको ग्रामेटिकली इसमें पूरा सेंटेंस देखना होगा कि क्या करेक्ट फॉर्म है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और चार ऑप्शन दे रखे हैं, और उन ऑप्शन से हमको क्या करना है? फिलअप करना है। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है, इकोलॉजी इन अ वेरी सिंपल टर्म इज अ साइंस दैट डैश इंटरडिपेंडेंट। मीन्स इकोलॉजी एक बहुत ही सिंपल टर्म है साइंस की, जो कि क्या करती है? स्टडीज करती है, स्टडी करती है, स्टडिंग करती है, फिर एक्सप्लोरिंग करती है। तो साइंस है ये, इकोलॉजी का एक साइंस है जिसमें हम बहुत अलग अलग चीजों की क्या करते हैं? स्टडीज करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम सिंगल एक चीज की नहीं करते, बहुत सारी चीजों की करते हैं। तो स्टडी का प्लूरल क्या होगा? स्टडीज, STUDIES। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टडीज आएगा, STUDIES, स्टडीज। द इंटरडिपेंडेंट म्यूचुअली रिएक्टिव एंड इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप क्या आएगा? अमंग, बिटवीन,
टू और फॉर। तो रिलेशनशिप किसके देखते हैं हम? ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट में देखते हैं। तो क्या आएगा वर्ड अमंग, किन के बीच में आ रहा है अमंग, हम किन दो चीजों के बारे में या फिर इंडिपेंडेंट जो चीजें हैं, तो इसमें क्या आएगा अमंग आएगा, इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं दे आर फिज, इसमें अब क्या आना चाहिए, डैश दे रखा है, फिजिकल एनवायरमेंट ऑन वन हैंड एंड अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑन इट। तो मीन्स यहाँ पे फिजिकल एनवायरमेंट दे रखा है तो क्या आएगा देयर, इट्स, देयर्स या ऑल, तो क्या आएगा इसमें देयर आएगा, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है और उसका फिजिकल एनवायरमेंट है उनके बीच का क्या है रिलेशनशिप देखते हैं। तो देयर रिलेशनशिप किसका देखते हैं हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है और जो एनवायरमेंट उनका रिलेशनशिप, तो यहाँ पे क्या आएगा देयर आएगा। ऑन द अदर हैंड डैश द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइंड एंड यूज बाय, तो यहाँ पे क्या आएगा थ्रो, इन स्पाइट ऑफ, दो या बिकॉज, यहाँ पे क्या टर्म आएगी दो आएगी, दो क्या आएगी, हालांकि वो टर्म किसने दी थी पहले, इकोलॉजी की स्टडी हुई लेकिन इकोलॉजी की टर्म पहले ही दे चुके थे, तो दो यहाँ पे क्या आएगा दो द इकोलॉजी टर्म, तो यहाँ पे आएगा टी एच ओ यू जी एच, दो द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइंड एंड यूज बाय, किसने यूज करी थी, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्न हार्टल, इन किस में दी थी 1869 में, अ फ्यू कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, तो फ्यू कॉन्सेप्चुअल टर्म्स थी, तो क्या आएगा आर, आर प्रेजेंट टर्म हो गई, वर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे हैव बीन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या दे चुके थे उसको दे चुके थे हैव बीन, तो यहाँ पे क्या आएगा हैव बीन आएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑलरेडी प्रपोज टू रिवेल रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप किसके बीच में दिया था, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा बिटवीन, बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच जियोलॉजिस्ट आई जी हिलारी यूज द टर्म इथोलॉजी, जिस तरीके से इथोलॉजी यूज करी थी टू, यहाँ पे क्या आएगा किसके लिए, फॉर विथ इन, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा टू, टू द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ, इसके आगे क्या आएगा ऑफ के बाद हमको देखना है कि यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म विद फैमिली एंड सोसाइटी, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है एक पूरी वो है, तो द हमारा क्या आर्टिकल यूज होगा, द आर्टिकल यूज होगा, रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इन द फैमिली एंड द सोसाइटी इन एग्रीगेट एंड इन द कम्युनिटी। ब्रिटिश नेचुरलिस्ट सेंट जॉर्ज जैक्सन मैवरिक प्रपोज द टर्म हेक्सोलॉजी विद रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप रिलेशन के। अब इसके बाद क्या आएगा रिलेशन के बाद हमको देखना है क्या आएगा फॉर ऑफ विद इन इफ रिलेशन ऑफ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा रिलेशन देखा था किसका, रिलेशन ऑफ लिविंग क्रिएचर, तो यहाँ पे आएगा ऑफ लिविंग क्रिएचर टू द अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट रिगार्ड द नेचर ऑफ द लोकेलिटी द फ्रिक्वेंटली टेम्परेचर एंड द डैश लाइट विच सूट देम, तो लाइट का क्या होगा अमाउंट होगा, फोकस होगा, शेयर के क्वालिटी होगा, तो लाइट ऑफ अमाउंट, अमाउंट कितना अमाउंट ऑफ लाइट को वो देखते थे, एंड द रिलेशनशिप टू द ऑर्गेनिज्म एज देयर एनिमी रिवेल्स और एक्सीडेंटली एंड इनवॉलेंट्री बेनिफैक्टर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स दे, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे और उसके चार ऑप्शन होंगे, आपको ग्रामेटिकली पूरा क्वेश्चन देखना होगा कि किसमें क्या ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पैटर्न होता है आपका सिनोनिम्स पूछा जाता है, सिनोनिम्स में आपको एक वर्ड दिया होता है उस वर्ड के मीनिंग के जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उसका आपको करेक्ट द ऑप्शन चूज करना होता है। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली हैव बीन इम्पाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो फैमिली की प्रॉपर्टी है वो कोर्ट ने क्या कर दी इम्पाउंडेड, तो आपको सबसे पहले आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए तभी आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर पाएंगे। तो इम्पाउंडेड का मतलब होता है, एम्पाउंडेड का मतलब होता है किसी चीज को सीज्ड कर देना, केज कर देना मीन्स उसको बंधक कर देना, या फिर इम्प्रिजन इसका मतलब होता है हम किसी चीज को इम्प्रिजन कर दें या फिर उसको एनक्लोज्ड कर दें, तो इसकी सब किसका मतलब था इम्पाउंडेड, इम्पाउंडेड मीन्स कोर्ट ने उसको क्या कर दिया सीज कर दिया फिर केज कर दिया या फिर किसी को बंधक बना दो या फिर एनक्लोज कर दो, तो ये मतलब हमको उसको पता होना चाहिए, तो इसके आसपास के वर्ड्स हम यहाँ से निकाल देंगे। तो हम सबसे देखते हैं कि कॉन्फिसिस्ट इसका मतलब क्या है सीज्ड कर देना, तो सिनोनिम्स इसका सेम हमको मतलब निकालना है, तो इम्पाउंडेड हमने देख लिया,
तो इसका मतलब क्या, पुट ऑन होल्ड, मीन्स आप किसी चीज को होल्ड पे रख दो। तो ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। सोल्ड नहीं, आप बेच नहीं सकते, परमिट नहीं कर सकते किसी चीज को, तो रेस्ट्रिक्शंस है, कन्फिस्केटेड नहीं कर सकते। तो पुट ऑन होल्ड मीन्स आप किसी चीज को सीज कर दो, केज कर दो, इम्प्रिजन कर दो। तो इम्पाउंडेड का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, पुट ऑन होल्ड। और इसका अगर हम एंटोनिम्स देखे जाए तो एंटोनिम्स का क्या होंगे, आप किसी चीज को फ्री कर दो, रिलीज कर दो किसी चीज को, या फिर लेट गो। तो एंटोनिम्स इसका पूछा जाता है तो हम क्या लिखते हैं, लेट गो, फ्री या रिलीज। इसका सिनोनिम पूछा है तो पुट ऑन होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ द ऑपरेशन हैज बीन इम्पंक्ड फॉर द एक्सेसेस। जो चार्ज ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन कर रहा था, उस पुलिस इंस्पेक्टर को क्या कर दे, इम्पंक्ड कर दे। तो इम्पंक्ड का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट द ट्रूथ। जो पर्सन डिस्प्यूट द ट्रुथ, जो सच्चाई के लिए, सच के लिए लड़ता है, जो उसको सच होने के बावजूद भी क्या करे, उससे बहस करे। बहस करना या झगड़ा करना, सच उसे पता है लेकिन वो क्या करे, उसके लिए बहस करे, उसके लिए झगड़ा करे, उसका मतलब होता है इम्पंक्ड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, चैलेंज कह सकते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, हम किसी बात को चैलेंज करके, नहीं भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, डिस्प्यूट करें, क्वेरी करें या इम्पीच करें, इसके क्या है सिनोनिम्स हैं। तो हम क्या करें, चैलेंज। चैलेंज में आप किसी चीज को, आपको पता है ट्रुथ पता है, फिर भी आप उसके पे क्या करो, डिस्प्यूट करो, चैलेंज्ड करो। तो इम्पंक्ट का मतलब होता है चैलेंज्ड करना। नेक्स्ट, कॉन्जिविस्ट एंड लिंग्विस्ट बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद इनिशिएट क्वालिटी। इनिटिएट क्वालिटी, इनिटिएट का मतलब होता है इन बॉर्न, मतलब बाय बर्थ जो चीज आपकी होती है, इन बॉर्न क्वालिटी है, इनहेरेंट जो क्वालिटी है, मींस बाय बर्थ जो आपको मिलती है आपके पूर्वजों से, उसका मतलब होता है इन इनिटिएट। तो इनिटिएट का मतलब जन्मजात, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं जन्म जात। जो आपको बाय बर्थ जो चीजें मिलती हैं वो होती है इनबॉर्न, इनहेरेंट, नेचुरल कह सकते हैं, या फिर इंट्रिंसिक कह सकते हैं, बिना मिलावट के जो चीज होती है इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक क्या है, इनहेरेंट। तो इसका सिनोनम क्या होगा, इंट्रिंसिक होगा। इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द रूल। बोर्ड के लिए ऑब्लिगेटरी है रूल मेंटेन करना। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, किसी चीज को आप अनिवार्य कर दो, उसका मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेटरी, अनिवार्य कर दो, या फिर मैंडेटरी कर दो, कंपलसरी, या फिर इनविटेबल। तो मैंडेटरी जो चीज होती है वो ऑब्लिगेटरी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सिनोनिम इसका क्या है, कंपलसरी, किसी चीज को अनिवार्य करना, तो वो क्या होता है, ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस डिस्क्राइब द एक्ट एज अ बैलेंट बिट्रेल ऑफ द फेथ। बिट्रेल का मतलब होता है किसी को धोखा देना या फिर विश्वासघात करना। बिट्रेल का मतलब होता है विश्वास, विश्वासघात करना। विश्वास आप किसी का तोड़ दो तो उसका मतलब होता है विश्वासघात करना। डिसलॉयल्टी इसका सिनोनम है। बैड फेथ, डुप्लीकेसी, या फिर आप किसी के साथ डिसऑनेस्ट करते हो तो लॉयल, फेथफुल, ऑनेस्ट। ये तो क्या हो गया इसके एक मतलब, ये तो क्या पॉजिटिव वर्ड हो गए। हम बिट्रेल मीन्स हम विश्वासघात की बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आपको उसको नहीं पता लेकिन आपको इन तीनों के मतलब समझ में आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी क्या है, ट्रेचरी। ट्रेचरी का मतलब होता है किसी के साथ छल करना, या फिर किसी को धोखा देना, धोखा देना, छल करना, कपट करना, इसका मतलब होता है ट्रेचरी। तो बिट्रेल मीन्स होता है विश्वासघात, इसका सिनोनिम क्या है, ट्रेचरी। हाउएवर इट इज मस्ट डिसाइड देन इट शुड डू सो ऑन द नैरोएस्ट ग्राउंड पॉसिबल। तो नैरोएस्ट का मतलब क्या होता है, नैरोएस्ट का मतलब होता है बहुत संकीर्ण, या फिर बहुत छोटा, स्मॉलेस्ट, या फिर स्मॉलेस्ट टेपर्ड, या फिर एक्यूनेटेड। तो स्मॉल बिल्कुल बारीक जो चीज होती है, बहुत ही संकीर्ण जो होता है, तो इसका मतलब होता है संकीर्ण। इसका मतलब होता है नैरोएस्ट का मतलब होता है संकीर्ण। तो इसका सिनोनम क्या होगा, वाइडेस्ट, स्लाइटली थिक, या फिर स्मॉलेस्ट। तो इसका सिनोनम क्या होगा, स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटा, बहुत ही एटेन्यूएटेड। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अकिन टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप दैट प्लेस ऑब्लिगेशन ऑन द एंटिटीज एश्योरिस्ड। अकिन का मतलब होता है, अकाइन का मतलब होता है किसी के समान। अकाइन का मतलब होता है किसी के समान होना, किसी के जैसा होना, वो क्या होता है, अकाइन होता है। अकाइन का मतलब होता है जैसे एक्सक्राइब हम कह दें, क्लोज कह दें, किसके क्लोज बाय नियर होना, या फिर एनालॉगस होना, किसी किसी जैसे होना, मैचिंग होना, सेम एनालॉगी होना, सिमिलर होना। तो इसका कौन सा वर्ड इसके सिनोनिम होगा, सिमिलर। सिमिलर मीन्स एकाइन, एक किसी के समान, सिमिलर क्या आएगा, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली
टू द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनएक्यूरेसीज। बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व, एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है एट्रीब्यूटेड का जिम्मेदार ठहराया जाना, इसका मतलब होता है जिम्मेदार ठहराया, किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया ठहराते हम तो उसका मतलब होता है एट्रीब्यूट करना, एस्क्राइब करना, किसी चीज को असाइन करना, इम्प्यूट करना, या फिर किसी चीज को अलॉट करना। हम अलॉट करते हैं ये चीज उसकी जिम्मेदारी, वो जाने, एलोकेट करना। तो इसका ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, एस्क्राइब। एस्क्राइब क्या होता है? एस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज को अलॉट करना। आप किसी चीज को परमिशन दे दो कि भाई ये चीज उसकी है, तो अलॉट करना ये टोटली उसकी जिम्मेदारी है। तो एट्रीब्यूटेड का सिनोनिम होता है एस्क्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन वर्ड दे रखा है एक्वायरिंग। एक्वायरिंग का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना, ओब्टेंड करना, किसी चीज को रिसीव करना, गेन करना, अर्न करना, या फिर किसी चीज को जीतना, विन करना। तो एक्वायर में से आप कोई चीज को गेन करो, जीतो, ओब्टेंड करो, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, ओब्टेंड करना। ओब्टेंड करना मतलब होता है कोई चीज को प्राप्त करना, आपको कोई चीज मिली हो या फिर एक्वायर करी हो। नेक्स्ट देखते हैं, द मैनर इन विच दिस एक्सरसाइज हैज बीन अंडरटेकन लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। डिजायर का मतलब हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो डिजायर का मतलब होता है आध्यात्मिक, जिसकी बहुत ज्यादा जिसकी इच्छा हो। तो आध्यात्मिक इच्छा जो होती है, आध्यात्मिक चाह जो होती है, या फिर किसी की तीव्र इच्छा जो होती है, तीव्र इच्छा जो होती है उसको हम बोलते हैं डिजायर। किसी चीज की कार्विंग होना, विश होना, वांट होना, किसी चीज की फैंसी फैंटेसी होना, किसी आप कुछ सोचते हो, आपको कुछ चीज चाहिए, कुछ चीज की डिजायर है, उसके मीन्स किसी चीज की विश करना। तो आप ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, किसी चीज के लिए विश करना। डिजायर मीन्स किसी चीज के लिए विश करना। तो इस तरीके का सिनोनिम्स आएंगे, कुछ आपके ग्रामेटिकल्स आएंगे और कुछ आपके क्या आएंगे, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे जो आपको फिल करने होंगे। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच, ये फोर्थ पार्ट होगा आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको ये बताना पड़ेगा जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो आपको सेंटेंस से रीड आउट करके ये फाइंड आउट करना है जो अंडरलाइन वर्ड है वो किसका इस पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है रीटा ईट्स हर डिनर क्विकली, तो इसमें हमको पता है कि रीटा Eats dinner her dinner quickly। डिनर करती है रीटा, क्या करती है? डिनर करती है। और डिनर कैसे करती है? क्विकली करती है। तो ईट्स, ईट्स क्या है? मीन्स खाना खाना। तो खाना क्या है? ईट्स मीन्स खाना खाना, खाना खा रही है। तो मीन्स ये क्या होगा? ये वर्ब का एक कोई क्रिया है, क्रिया दे रखी है कि क्या कर रही है? वो खाना खा रही है। तो खाना खाना क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट दे रखा ही थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली, उसने सोचा कि मूवी अचानक से बंद हो गई। एंडेड अब्रप्टली, एंड तो हुई मूवी, लेकिन जो बंद हुई, बंद होने का तरीका क्या था? स्लोली हुई, अचानक से हुई, तो अब्रप्टली। तो एंड क्या है? एंड तो काम है जो हुआ, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे बता रहे? अब्रप्टली मीन्स जो एंड हुई, जो चीज उसकी क्वालिटी क्या थी कि एंड हुई, वो बहुत अचानक से एंड हुई। तो मीन्स ये क्या? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या बताता है? जो चीज है, नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी क्वालिटी बताता है। तो जो चीज एंड हुई, मूवी थी, मूवी एंड हुई, वो एंड किस तरीके से हुई? हमारी अब्रप्टली हुई। तो इसका मीन्स ये क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त, किसी ने कहा कि मैं तुमसे कब मिलूंगा? थर्ड वीक ऑफ अगस्त में मिलूंगा। इन, तो इन, एट, ऑन, द, ये सारी क्या होती? प्रपोजिशन होती। कब मिलेगा? इन द थर्ड वीक। तो इन क्या? हमारी प्रपोजिशन है। नेक्स्ट, जैस्मिन्स एंड रोजेस आर माई फेवरेट फ्लावर, दब जो चीजों को कनेक्ट करने के लिए वर्ड यूज करा जाता है उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। तो ए क्या है? कंजक्शन है, क्योंकि जैस्मिन्स और रोजेस क्या है? दो अलग अलग फ्लावर है। उन दोनों फ्लावर को कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस क्या यूज करा हुआ है? एंड हुआ, बट हुआ, ये सारे क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं, जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइंट करने के लिए काम में यूज करा जाता है वो क्या होता है? कंजक्शन। प्रपोजिशन क्या होती है? किस नाउन प्रनाउन की जो पोजिशन बताता है, इन, आउट, अंडर, ओवर, थ्रो, ब्रिंग, बिहाइंड, ये सारे क्या होते हैं? प्रपोजिशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी ट्रूथफुली आंसर द डिटेक्टिव क्वेश्चन, उसने बिल्कुल सच्चाई से डिटेक्टिव के आंसर दिए। आंसर दिए, लेकिन कैसे दिए? बिल्कुल सच्चाई से दिए, सच्चाई से आंसर दिए। इट मीन्स ये क्या है? एडजेक्टिव है। आंसर तो दिए, लेकिन उस आंसर्स की क्वालिटी क्या थी? कि उसने बहुत सच्चाई से दी, तो इसका ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा।
हुर्रे वी वॉन द गेम। हुर्रे मीन्स हम बहुत खुशी से एक्सक्लेमेशन से बोल रहे हैं कि हुर्रे वी वॉन द गेम। इट मीन्स ना ये कंजक्शन को सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा, प्रोनाउन इसमें यूज नहीं हुआ, नाउन इसमें वी है, नाउन भी कुछ यूज नहीं है, तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं इंटरजंक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जब हम एक्सक्लेमेशन भी खुशी से कोई चीज बोलते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, इट मीन्स इंटरजेक्शन सेंटेंस यूज है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का है। द सन राइट मीनिंगलेस लेटर टू हिज फादर, बच्चे ने अपने फादर को मीनिंगलेस लेटर लिखा, इट मीन्स लेटर तो लिखा, लेटर लिखा, लेटर था, लेकिन लेटर कैसा था, मीनिंगलेस था, मीन्स ये लेटर की क्वालिटी बता रहा है, मीन्स ये क्या है, एडजेक्टिव है जो क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है हमारी लेटर की। नेक्स्ट द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिली, सेक्रेटरी ने क्या करा, पर्सनली विजिट करा जो अफेक्टेड फैमिली थी, तो सेक्रेटरी के लिए क्या यूज आया, हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन है, सेक्रेटरी क्या है, नाउन, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउन क्या है, सेक्रेटरी, तो नाउन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो नाउन की प्लेस पे जो वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोनाउन, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट है। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जो चिल्ड्रन थे वो किसके थ्रू मूव कर रहे थे, फॉरेस्ट के साइड बाय, थ्रू का मतलब होता है किसी की साइड बाय चलना, तो साइड बाय का मतलब मीन्स यहाँ पे क्या चल रहे हैं, चलना क्या है हमारा, क्रिया है, मीन्स वर्ब है, तो वर्ब मीन्स चल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से चल रहे हैं, थ्रो, तो इट मीन्स ये क्या है, एडवर्ब है, तो ऑप्शन बी क्या है इसका, बी बिल्कुल करेक्ट है, एडवर्ब, तो थ्रो एक ऐसा वर्ड है जो प्रपोजिशन के जैसे भी यूज होता है और एडवर्ब के जैसे भी यूज होता है, लेकिन वर्किंग के साथ यूज हो रहा है, इट मीन्स किसी वर्किंग क्वालिटी को बता रहा है, किसी क्रिया को बता रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एडवर्ब है। प्रेसिडिंग ऑफिसर वॉक स्लोली टू द डाइस, जो ऑफिसर था वो स्लोली मूव कर रहा है डाइस पे, तो वॉक कर रहा है, वॉक कैसे कर रहा है, स्लोली कर रहा है, तो ये भी क्या हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या है हमारा एडवर्ब, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं एंटीनम्स, तो आपको सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, एंटीनम्स पूछे जाएंगे, पार्ट ऑफ द स्पीच पूछी जाएगी, ग्रामेटिकल आपको सेंटेंस दिए जाएंगे पैराग्राफ में वो पूछे जाएंगे, और आपसे वर्ड्स की स्पेलिंग्स पूछी जाएगी, और ये हम नेक्स्ट देखते हैं एंटीनम्स कैसे निकालते हैं। एंटीनम्स का मतलब होता है आप वर्ड का क्या निकालो, अपोजिट निकालो, तो आपको यहाँ पे दे रखा है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, ब्यूटी मीन्स, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती, तो खूबसूरती हुई, फ्लोएंस हुई, इसका ब्यूटी का मतलब तो समझते ही है, तो हमको ये देखने के चारों वर्ड्स के मतलब क्या है जो यहाँ पे दे रखे हैं। एलोर, एलोर का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुली, तो कि कोई चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है उसको बोलते हैं एलोर। चार्म, चार्म का मतलब होता है अट्रैक्ट पीपल, आपको जो अट्रैक्ट करता है पीपल को उसको बोलते हैं हम चार्म। आइडियल, आइडियल का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल, आप बेस्ट पॉसिबल वे में क्या कर सकते हैं, जो आइडियल है कि भाई हर चीज का आइडियल बेस्ट पॉसिबल यही है। और इन एलिगेंस, इन एलिगेंस का मतलब होता है लैक ऑफ एलिगेंस, मीन्स आप में सुंदरता की कमी हो, एलिगेंस की कमी हो, सोबरनेस की कमी हो, तो उसको बोलते हैं इन एलिगेंस। तो ब्यूटी का सिनोनिम क्या होगा, ब्यूटी मीन्स खूबसूरत, तो इन एलिगेंस क्या होगा, उसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द डिटेल अबाउट द सुसाइड केस कैन पनिश वेनरेबल पीपल टेकिंग द एक्सट्रीमिस्ट में, वनरेबल, वनरेबल का मतलब क्या होता है, वीक एंड ईजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली। वनरेबल का मतलब होता है किसी को आप फिजिकली हर्ट करो, इमोशनली हर्ट करो, वनरेबल जो वीक हो इमोशनली और फिजिकली, आप किसी को हीट हर्ट कर दो। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि चारों ऑप्शन का मतलब क्या है, तो इम्पर्शियस, इम्पर्शियस का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू एंड ट्रीटिंग देम एज दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज यू, मीन्स इम्पर्शियस का मतलब होता है कि आप दूसरों को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि भाई आप ही इंपॉर्टेंट हो, वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पर्वियस का मतलब होता है इम्पर्वियस, नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, आप किसी से कोई इम्पैक्ट ना हो, आप किसी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, ना इमोशनली ना फिजिकली। हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है अनेबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप खुद की केयर ना कर पाओ। डिफेंसलेस, डिफेंसलेस का मतलब होता है अनेबल टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट एनी अटैक, मीन्स आप किसी भी अटैक को, किसी भी चीज को आप अपनी तरफ रोक ना पाओ। तो इस चारों के मीनिंग पता चलता है। वल्नरेबल का मतलब होता है वेरी वीक टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, आप किसी को फिजिकली और इमोशनली हर्ट कर सकते हो। तो इम्पर्सिव, इम्पर्वियस का मतलब होता है कि आप इफेक्ट ना हो, किसी भी चीज से इफेक्ट ना हो, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, स्टैंडिंग बिफोर अ जज इन अ कोर्ट रूम कैन बी डॉन्टिंग फॉर एनीवन, डॉन्टिंग, तो डॉन्टिंग का मतलब होता है निरुत्साहित करने वाला, आपको डिमोरलाइज्ड करने वाला, निरुत्साहित, निरुत्साहित का मतलब क्या होता है, डॉन्टिंग, निरुत्साहित, इसको बोलते हैं निरुत्साहित, किसी का आप मॉरल डाउन कर दो,
तो अनकंफर्टेबल का मतलब होता है नॉट प्लीजिंग टू वियर सेट, मीन्स आप संकोच करो किसी चीज, उसको बोलते हैं अनकंफर्टेबल। एनकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहन देना। डिमोरलाइजिंग का मतलब होता है मनोबल गिराने वाला, जो आपका मनोबल गिरा दे। और ऑफ पुटिंग का मतलब होता है टू अनप्लीजेंट इन अ वे दैट स्टॉप यू फ्रॉम लैकिंग समबडी। आप किसी को अप्रतिकार करने लग जाओ, आप किसी को चाहने रोक लो अपना आपको, आपको धीरे धीरे वो पर्सन पसंद ना आए, अनप्लीजेंट फील करो किसी के साथ, तो उसको बोलते हैं हम ऑफ पुटिंग। तो डॉन्टिंग का मतलब होता है किसी को निरुत्साहित करना, किसी का मोरलाइज्ड डाउन करना। तो हमको एंटीनम बताना है, तो एंटीनम किसका हो गया, एनकरेज। तो आप किसी को एनकरेज करो, उत्साहित करो, तो वो क्या होता है एनकरेजिंग, और इसका एंटीनम क्या होता है डॉन्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज बीन फेसिंग अ काइंड इंटिमिडेशन बाय हिज फ्रेंड फ्रॉम लास्ट 2 वीक। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी मिलना, इसका मतलब होता है किसी को धमकी देना, या फिर किसी को तर्जन करना, या फिर आप किसी का अभी त्रास करो, अभी त्रास, किसी को परेशान करना या फिर धमकी देना, इसका मतलब होता है इंटिमिडेशन। तो इंटिमिडेशन वायल्स का मतलब अगर हमको पता है, तो वायल्स हमारा होता है छल कपट करना। कॉन्विक्शन का मतलब होता है किसी को दोषी सिद्ध करना, दोषित करना किसी का। पर्सुएशन का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, किसी को अप्रिशिएट करना। और सपोर्ट का मतलब होता है सहयोग करना। तो धमकी देना का मतलब कि आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन डी सपोर्ट करना। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसी तरह का बिल्कुल पैटर्न रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर मेनी फैक्टर दैट कॉन्स्ट्रेंट द फिलोसफी ऑफ जॉब एनरिचमेंट इन द प्रैक्टिस। तो कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स किसी चीज पे बाधा लगाना या फिर रेस्ट्रिक्शंस लगाना किसी चीज पे, वो क्या होता है बाधा। तो ऑब्लिक का मतलब, ब्लैक का मतलब होता है उपरत करना, किसी को मजबूर करना। प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है आप किसी पे दबाव डाल रहे हो, कुछ स्ट्रेस डाल रहे हो। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या फिर बैंड करना। और डी मीन्स सपोर्ट करना, तो मीन्स बाधा लगाना, बाधा आप किसी चीज को रोक रहे हो। तो रोकने का अपोजिट मीन्स आप उसके अगेंस्ट हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, किसी चीज को सपोर्ट करना। पीपल लुक फॉर द पर्सुएबल रेमिडीज टू द प्रॉब्लम विच दे डू नॉट नो। इसका पल्सुए का मतलब क्या होता है, प्लॉजिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, किसी को अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएबल जो होती है, एडमायरेबल जो चीज होती है, उसको हम बोलते हैं प्लॉजिबल। तो इसको हम बोलते हैं प्रशंसनीय, किसी को एडमायर करना, अप्रिबल करना, वो हमारा क्या होता है। तो इसको एप्रिशिएबल का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट करना, किसी को एडमिशन देना। अनथिंकेबल का मतलब होता है असंभव चीज, जो इम्पॉसिबल हो, इम्प्रैक्टिकल हो। सॉल्वेबल का मतलब होता है व्याख्या करने योग्य, मीन्स जो किसी में भी घुल मिल जाए, डिजोल्वेबल हो, रीजनेबल हो। और बिलीवेबल का मतलब होता है मुमकिन या फिर कोई चीज पॉसिबल हो। तो मीन्स प्रशंसनीय का अपोजिट क्या होगा, प्रशंसनीय जो चीज संभव है, आप उस चीज को क्या करोगे, अप्रिशिएट करोगे। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अनथिंकेबल, जो असंभव है, उसको आप सोच ही नहीं सकते, तो इम्पॉसिबल है, जो उसको हम क्या बोलेंगे, अनथिंकेबल। नेक्स्ट देखते हैं, डिपार्टिंग द स्पीच ऑफ द चेयर पर्सन एंडेड विद द प्लेनेटिव नोट। प्लेनेटिव नोट से चेयरपर्सन ने क्या करी, अपनी स्पीच को एंड करा। तो प्लेनेटिव का मतलब होता है दुखी और शिकायती लहजे में, मींस इसका मतलब होता है आप किसी से शिकायत करो, तो शिकायती जो लहजा होता है आपका, शिकायती लहजे में किसी से बात करना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेटिव। तो प्लेनेटिव का मतलब होता है किसी दुखी बात से, किसी कतार से आपको बात करना। तो मेलकाहोलिक का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग एक्सपेंसिव सैड, किसी बहुत ही एक्सट्रीम दुख को फील करने का मतलब होता है मेलकाहोलिक। गिलफुल का मतलब होता है उत्साहित, जिंदा दिल, या फिर पर्स, बहुत ही प्लेजेंट फील करना, हैप्पी फील करना। तो इसका मतलब क्या, तो उत्साहित, बहुत ही खुश होना। ड्यूफिल का मतलब होता है मातमी, या फिर बहुत दुखी आत्मा से बात करना, या फिर उदास होना। एडवेंचरस का मतलब होता है बहुत ही साहसी, बहुत ही हिम्मत वाला। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है शिकायती और दुखी माहौल में, किसी दुखी आवाज में बात करना। तो इसका सबसे सही मीनिंग क्या होगा, गिलफुल होगा। गिलफुल का मतलब होता है उल्लासित, बहुत खुशी से, खुशी से, हैप्पीनेस रहना, जिंदा दिल से रहना। नेक्स्ट देखते हैं, द मेंबर हैव टेकन अ एनोनिमस डिसीजन टू डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का हमको क्या निकालना है, एंटोनिम निकालना है। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह करना,
बेवजह किसी बात पे कलह करना, स्ट्रेस करना, वो क्या होता है हमारा डिस्कॉर्ड। तो अकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, किसी चीज से सहमत होना। डिसीशन का मतलब होता है कलह करना, विवाद करना। डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी चीज पे विवाद होना। और फ्रिक्शन का मतलब होता है टकराव होना। फ्रिक्शन का मतलब है टकराव होना, डिस्प्यूट का मतलब है विवाद होना, डिसीशन का मतलब है कलह होना। तो कलह कब होगी? जब दो चीजें अलग अलग होगी, दो पार्टी अलग अलग चीज पे डिसएग्री होगी। तो अकॉर्ड इसका क्या है? बिल्कुल सही वर्ड है, जब दो चीजें सहमत होगी। नेक्स्ट इनसॉलेंट। इनसॉलेंट का आपको एंटोनिम बताना है। तो इनसॉलेंट का मतलब होता है ढीठ, जो बिल्कुल ही ढीठ पर्सन हो, या फिर असभ्य जो बोलते हैं, असभ्य असभ्य जो पर्सन है उसको क्या बोलते हैं हम? इंसोलेंट बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है बहुत ही श्रद्धालु, या फिर विनीत, बहुत ही फेथफुल पर्सन, लॉयल या ट्रुथफुल पर्सन को हम बोलेंगे रेस्पेक्टफुल। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, जिस भी कोई अंकुश ना लगा हो। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है दिलेर, या फिर बहुत ही ब्रेव जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं इम्प्यूडेंट। दो प्रोवेकिंग का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो आपको विचार विमर्श करने पे मजबूर कर दे, आपको सोचने पे मजबूर कर दे, उसको बोलते हैं थॉट प्रोवेकिंग। तो हमारा इसका ढीठ, ढीठ का हम देखें बिल्कुल असभ्य, तो असभ्य का अपोजिट क्या होगा? रेस्पेक्टफुल। तो ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। तो आपको एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ग्रामेटिकल हो गए, फिर आपकी स्पेलिंग्स हो गई। अब हम देखेंगे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सेंटेंस को क्या करूँ, आप ऑर्डर करो। आपको चार ऑप्शन दे रखेंगे और आपको उसको सही तरीके से सेंटेंस को क्या करना है? फॉर्म करना है। अब आपको ऑप्शन में दे रखा है द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज Employees who are leaving for their opinion। अब इन चारों पार्ट्स को हमको करेक्ट उसमें जोड़ना है। तो इसका करेक्ट क्या होना चाहिए? PSQR। PSQR क्यों होगा? P में देखें the company are often asked, किसके लिए ask करती? For the opinion during, company ask करती उनकी opinion के लिए। The formal or informal interview, Employee who are leaving, कंपनी जनरली आस्क करती है उनकी उन लोगों के एम्प्लॉयज के लिए जब हम इनफॉर्मल और फॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं कि भाई वो कंपनीज क्यों छोड़ें। तो पी एस क्यू आर क्या है? इसकी सही टर्म है। नेक्स्ट देखते हैं हैज बीन बिलो नॉर्मल सिंस लास्ट वीक। फिर सेकेंड पार्ट दे रखा है द मिनिमम टेम्परेचर। फिर दे रखा है इन सम पार्ट ऑफ द सिटी वैन रेन एंड हिस्टोग्राम एक्टिविटी रिकॉर्डिंग। तो इसका सही होगा क्यू पी एस आर। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल सही। अभी क्यों सही है? क्यों सबसे देखते हैं मिनिमम टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर हैज बीन बिलो नॉर्मल सिंस लास्ट वीक। जो मिनिमम टेम्परेचर था वो लास्ट टू वीक से क्या है? कम है। क्योंकि वैन द रेन हिस्टोग्राम एक्टिविटी रिकॉर्डेड, जब हम हिस्टोग्राम और रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड करें इन सम पार्ट ऑफ द सिटी, इट मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर लास्ट वीक टू वीक से है जब हमने हिस्टोग्राम पे एक्टिविटी रिकॉर्ड करी। कुछ पार्ट है सिटी का जब वो क्या था, जब सिटी में रेन हो रही है तब सिटी का टेम्परेचर क्या है? लो है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्यू पी एस आर। नेक्स्ट देखते हैं हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड दे ऑफन शेप आर पर्सनालिटी इन आर एडल्ट लाइफ इवेंट इन आर चाइल्डहुड। इसका सही फॉर्म होगा एस पी आर क्यू। एस पी आर क्यू इवेंट्स इन आर चाइल्डहुड हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। जो इवेंट्स हमारे चाइल्डहुड में होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। ऑन आर एडल्ट लाइफ जब हम बड़े होते हैं तब भी वो इम्पैक्ट रहता है। एंड दे आर ऑफन शेप आर पर्सनैलिटी। बचपन में जो हमारे साथ चीजें होती हैं वो हमारी लाइफ को बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करती है जब हम बड़े होते हैं। और उस वो जब हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी शेप और हमारी पर्सनैलिटी को करते इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आएंगे। स्पॉटिंग एरर में आपको ये चीजें बतानी है कि कौन से पार्ट में एरर है। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा एक और उस क्वेश्चन के चार ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें आपको बताना है कि एरर क्या है। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट चेंज ओवर फ्रॉम अ क्लोज इकोनॉमी टू अ मैकेनिटाइन इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड इन ह्यूमन सोसाइटी इन रिवल प्रॉब्लम। अब इसमें आपको ये सेंटेंस से बताना है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस हैज शोन दैट, तो हैज के साथ तरफ ये सही है। द चेंज ओवर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात है तो इस सेंटेंस में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। द मर्केंटाइल इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड, मर्केंटाइल इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड, तो हैज आया है और प्रेजेंटेड आया, तो ये यहाँ पे क्या है? ग्रामेटिकली मिस्टेक है, हैज प्रेजेंटेड नहीं आना चाहिए था। इन द ह्यूमन सोसाइटी इमरेबल प्रॉब्लम, तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट। इस पोर्शन में क्या है? एरर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एरर्स हमको फाइंड आउट करने। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मुलेशन के साथ दे रखे हैं कि कहाँ पे आपका करेक्ट और कौन सा आपका सही है। तो व्हाट टाइप ऑफ बुक्स यू लाइक टू रीड,
ये क्या है, इनकरेक्ट सेक्टर, बुक्स यू लाइक टू रीड। अब इसमें करेक्ट कैसे करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स यू लाइक टू रीड कि क्या आएगा, बुक्स डू यू लाइक टू रीड मीन्स आप कौन सी बुक्स को लाइक करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज दैट, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट इज दैट, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एन नहीं आएगा यहाँ पे, आई से पहले इन हमने प्रपोजिशन क्या आर्टिकल यूज करा है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्या आएगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट इज दैट। नेक्स्ट, ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, तो करेक्ट सेंटेंस में ईच ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ पे क्या ईच ऑफ द प्लेयर है, एक एक पर्सन प्लेयर जो था उसने मूव किया, तो यहाँ पे प्लेयर सिंगल वर्ड होगा, तो सिंगल का प्लूरल क्या होगा, प्लेयर्स, प्लेयर्स यहाँ पे क्या आएगा, हम हर प्लेयर की बात करें तो प्लेयर्स परफॉर्म वेल इन द मैच। नेक्स्ट, नन ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 90% इन द बोर्ड, तो इसका करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का देखा, नन, एक भी स्टूडेंट ने, तो एक भी स्टूडेंट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, तो ये सिंगुलर दे रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका प्लूरल आएगा, स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90% इन द बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है, आपको द रिसोर्सिस वॉज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द एक्सपर्टाइज, तो इसमें रिसोर्सिस वॉज दे रखा है, रिसोर्सिस क्या है, बहुत सारे, तो वॉज के साथ प्लूरल टर्म क्या आएगी, वर्ना की वॉज, तो वॉज क्या सिंगुलर टर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शी ऑलवेज हिट्स मी विदाउट एनी रीजन, तो इसमें क्या हिट्स मी, वो हमेशा क्या करती, मुझे हिट करती, तो हमेशा करती थी, शी इज ऑलवेज हिटिंग मी विदाउट एनी रीजन, तो हिट्स हमेशा करती करती रहती, तो हिट्स का क्या आएगा, हिटिंग आएगा। नेक्स्ट, द मोमेंट शी विल एंटर द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग, जैसे वो एंटर होगी रूम में हम क्या करेंगे, बर्थडे सॉन्ग स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें गलती का है, द मोमेंट शी विल एंटर की जगह क्या आएगा, मोमेंट शी एंटर द रूम वी विल स्टार्ट, क्योंकि विल दो बार नहीं आएगा, शी विल वी विल, तो यहाँ पे क्या, शी एंटर द रूम वी विल, जैसे ही वो आएगी हम क्या कर देंगे, सिंगिंग स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, इफ जैकब वुड हैव कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड हिम फ्रॉम द एयरपोर्ट, अगर जैकब आएगा तो मैं उसको पिक कर लूंगा, तो इफ जैकब वुड की जगह क्या आएगा, हैड आएगा, कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक हिम फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे वुड की जगह क्या आएगा, हैड, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है, ये इसकी रॉन्ग फॉर्म है। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, 100% यही पेपर पैटर्न इंग्लिश का रहेगा, यही इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको एग्जाम देने के बाद लगता है कि हाँ मैम की ये वीडियो हमारी थोड़ी बहुत भी यूज है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताएं। थैंक यू।